आज हम लोग बात करेंगे बीमारी से छुटकारा पाने का 3 उपाय के बारे में। बीमारी से छुटकारा पाना क्यों, क्या आप बीमार पड़ना चाहोगे, बीमार पड़ने से क्या होता है। दोस्तों, बीमार पड़ने से काफ़ी सारा तकलीफ झेलनी पड़ती है, पेन झेलना पड़ता है। आप कम उम्र में बूढ़े हो सकते हो, यहाँ तक कि जीवन से भी छुट्टी मिल जाती है। इसीलिए कोई नहीं चाहता बीमार पड़ने के लिए। अगर आपको लंबी उम्र जीना है और बीमारी से छुटकारा पाना है तो आप 3 तरीका अपना सकते हो। सबसे पहला तरीका है अच्छी डाइट लेना। अब अच्छी डाइट का मतलब क्या है? अच्छी डाइट का मतलब है हर एक किस्म का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके डाइट में मौजूद हो, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। ये सब चीज़ अगर अच्छी मात्रा में रहता है तो आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो आपको बीमार कम होगी। इसीलिए अपने डाइट में आप किसी भी तरह का जंक फूड, फास्ट फूड, जिस खाने में मसाले ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो, चर्बी ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा हो, वो आपके वजन को भी बढ़ाता है और साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाता है। तो अनहेल्दी डाइट से आप बचें और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा लो कैलोरी फूड को शामिल करें, जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो और न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में रहे, खासकर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि डाइट एक ऐसा चीज़ है, आप जैसे खाओगे वैसे दिखोगे। अगर आपको बीमार कम पड़ना है और कम उम्र में जवान दिखना है तो आपको डाइट अच्छी लेनी होगी। अनहेल्दी डाइट की जगह हर रोज़ आप हेल्दी डाइट फॉलो करें। बीमारी से छुटकारा पाने का दूसरा जो तरीका है अच्छी लाइफस्टाइल जीना। तो अच्छी लाइफस्टाइल क्या होता है? उदाहरण के तौर पर ले लो, आप सुबह सुबह उठते हो और दूसरा जो व्यक्ति है वो देर से उठता है। आप सुबह को उठकर एक्सरसाइज करते हो या वॉक में जाते हो और दूसरा व्यक्ति देर से उठकर वो चाय पीता है। आप अच्छी हेल्दी डाइट लेते हो, दूसरे व्यक्ति जो है वो फास्ट फूड लेता है। आप जल्दी सो जाते हो और सुबह को जल्दी उठते हो। अगर कोई व्यक्ति देर से उठता है और रात भर जागता है, अच्छे से नींद नहीं लेता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है, तो ये हुआ खराब लाइफस्टाइल। अगर आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी है तो हर रोज़ सुबह को उठना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, दिन भर आपको तनाव कम से कम लेना होगा या तनाव को मैनेज करना होगा, रात को अच्छी नींद लेनी होगी। ये सब है अच्छी लाइफस्टाइल। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो कई सारा बीमारी को आप रोक सकते हो, खासकर लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, यूरिक एसिड, थायराइड और हाई कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये सब बीमारी जो है बेहद घातक बीमारी है, आपकी जान तक ले सकती है। दोस्तों, लाइफस्टाइल में कई चीज़ है, जैसे कि आपका फैमिली लाइफ कैसा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है और सोशल लाइफ कैसा है, क्योंकि हर एक जगह से तनाव और स्ट्रेस आता है। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है तो दिन भर आप 8 घंटा काम करते हो, तो 8 घंटा अगर आप तनाव झेलेंगे तो ऐसे भी आपका शरीर ख़राब होना है, यानी आप बीमार पड़ना है। वहीं अगर आप 8 घंटा खुशी खुशी काम करते हो और घर पर लौट के आके अच्छी क्वालिटी समय बिताते हो अपनी फैमिली के साथ और तनाव कम होता है आपके जीवन में, तो ये लाइफस्टाइल जो होती है कई बीमारी को रोक देती है। तीसरा तरीका है मेंटल एक्सरसाइज। हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं, अगर शरीर को मजबूत बनाना है तो जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, लेकिन मन को अगर मजबूत बनाना है तो क्या करना है, ये बेहद कम लोग बताते हैं। दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे करने से हमारे मांसल मजबूत होते हैं, वैसे मेंटल एक्सरसाइज करने से हमारे मन मजबूत होते हैं, तो आपको तनाव को झेलना आसान हो जाता है, स्ट्रेस को मैनेज करना आसान हो जाता है। दोस्तों, मन का जो एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन। अगर आप हर रोज़ मेडिटेशन करोगे तो इससे आपका मानसिक बीमारी काफ़ी हद तक दूर रहेगा, आपका मन मजबूत होगा और हर एक तरह का परेशानी जो है, स्ट्रेस है, तनाव है, इसको आसानी से हैंडल करने में सक्षम होगा। इसीलिए रोज़ाना आप 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, हर रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है, मजबूती मिलती है। तो ये 3 तरीका अगर आप हर रोज़ अपने लाइफ में उतारते हो, अपनाते हो, तो आप बीमार भी कम पड़ोगे, अच्छी लाइफ भी जी पाओगे। अगर आपको मेडिटेशन कैसे करना है पता नहीं है या कर नहीं पाते हो तो आप कमेंट करके बताइए मेडिटेशन कैसे करना है, मैं 3 ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप आसानी से कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा।
तो ऐसे वीडियो और भी देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।